सीमेंट घोटाले की स्टोरी में उसने कहीं पर भी पापा का नाम मेंशन नहीं किया। रिद्धि ने अपनी दोस्ती निभाई, ये जेस्चर तो याद रहेगा। इसमें दो बातें अच्छी हुई, एक मम्मी का नाम पेपर में छपा और दूसरा ये कि पापा का नाम आर्टिकल में कहीं नहीं छपा। बिल्कुल। अरे सावंत को बोल डिजाइन ठीक से चेक करे। हाँ, कितनी स्पेलिंग मिस्टेक है उसमें भाई। हाँ, और रंग भी थोड़ा झांखा है, झांखा। अरे ताक झांक वाला झांका नहीं, झांखा। हल्का है उसका कलर, बराबर। हाँ चेक करो भाई। अरे बापूद्रा को कुछ नहीं हुआ, कसरत कर रहा है। फोन रख। हाँ सुशी, ए सुशी, अरे सुशी, अरे कॉर्पोरेटर के इलेक्शन की डेट डिक्लेयर हो गई। ये देख फोटो छपी है बापूद्रा की, देख देखा। अरे रुको, ऐसे कैसे पढ़ो उठक बैठक करते करते। हाँ तू पढ़ देख। अरे बस बस बस, क्यों बस करो अबे कसरत। हार्ट पेशेंट हो आप, ज्यादा जवान दिखने के चक्कर में वो पोस्टर के फोटो के साथ अगर ये चेहरा मैच नहीं हुआ ना तो लोग किसी और के नाम पे थप्पा मार के चले जाएंगे। वाह वाह, तेरी सहेली पुष्पा की फोटो छपी थी अखबार में तो भरक गली हो रही थी, बापूद्रा की छपी तो ताने। क्या क्या कुछ भी बोलते हो आप। अरे एक मौका नहीं छोड़ते मुझे सुनाने का। तू छोड़ती है क्या। अरे कुछ भी बोलते है तो क्या करूं मैं। अरे बस करो अबे, कितनी बार ऊपर नीचे बंद करो अबे। तू अपना काम करना, बापूद्रा का दो रिपीटेशन बाकी है अभी। क्या बाकी है। रिपीटेशन बंद करो, ये रिपीटेशन सुबह से रिपीटेशन कर रहे हो। बस बस अबे, बच्चों की तरह झगड़ रहे हो आप दोनों, देख रहे। वैसे पापा आप लग बड़े हैंडसम रहे हो। बता तेरी मम्मी को बता। एकदम सिक्स पैक चार्ज। हसलो, तुम माँ बेटे को बापूद्रा की कदर ही नहीं है। लेकिन एक दिन जब सच में छेक होके बाहर निकलेंगे ना, तब देखना। लगी सर, लगी। अगर सच में इस छोटी सी तोन के पीछे से छेक होके बाहर निकल आए ना, तो जाओ आपको 10 लपड़े मार। खाली 10। अरे बाबा बस करो आप दोनों। लपड़े वाले क्या आप दोनों भी। चिराग का काम कैसा चल रहा है। अच्छा चल रहा है मम्मी। पता है उसके पापा ने हमें डिनर के लिए इनवाइट भी किया था, लेकिन हम क्या, हम नहीं गए। बहुत अच्छा किया, बहुत अच्छा किया। उस आदमी से दोनों दूर रहना, बराबर। बस पापा हो गया, हो गया बस। हाँ। चल क्या हो रहा है खुटे सिक्के, तेरा पटोला ही तो बन रहा है। ये रंग को ज्यादा भड़कने लग रहा है। नहीं रे, अब ये सब रंग एक दूसरे के साथ मिक्स होंगे तो और भी निखरेंगे, और अभी तो पॉलिशिंग भी बाकी है ना, तुझे पता तो है। संगीता थाई। हेलो, नमस्ते संगीता थाई। नमस्ते, आप तो अखबारों में छा गई पुष्पा जी। बस सब आपकी कृपा है, आपने मुझे मौका दिया तभी तो मैं कर पाई। एमएलए साहब भी बहुत खुश हैं। उन्होंने बधाई दी है, आपका नाम मैंने रिकमेंड किया था, उसके लिए मुझे भी शाबाशी मिली है। हाँ तो आप हकदार हैं ना, हम सब हकदार हैं। अच्छे काम का श्रेय ना सबको मिलना ही चाहिए। मिलते हैं फिर। जी जरूर। अच्छा सुन, पहले तू बता। नहीं नहीं तू बोल, क्या बोल रहा था। हमें पता लगाना पड़ेगा कि वो डेट चेंज का मैसेज किसने भेजा है। तूने मेरे मुंह की बात छीन ली, मुझे किसी पे शक है। मुझे भी। रुक्मणी। हाँ लोट चढ़ी में लोट, सेम टू सेम शक। मुझे कुर्सी मिली उससे पहले से वो घिनाई हुई है, और धमकी भी दी थी वो तो मैंने तुझे बताया था, पर इतना नीचे गिर जाएगी इस बात का अंदाजा नहीं था मुझे। अभी क्या करना है उसका तू बता। सबके सामने लाकर नीचा दिखा सकती हूँ, पर मैं वो नहीं करना चाहती। और फिर सबूत भी नहीं है हमारे पास, हम तो सिर्फ अटकल लगा रहे हैं। तो सबूत का टेंशन मत ले पुष्पा, वो तो मैं ढूंढ निकालूंगा। Z5.
जहरीला सांप है वो दिलीप पटेल। लोगों के साथ इतना बड़ा कांड किया, उसके बाद सरकार की आंखों में धूल झोंककर भाग भी गया। अभी शांत है, सोच उस जमाने में कितना खतरनाक रहा होगा ये। फिलहाल के लिए इतनी इन्फॉर्मेशन काफी है प्रभु, थैंक यू। नेटवर्क अच्छा है तेरा। यही तो काम है मेरा, आपकी सोच से दो कदम आगे रहूंगा तभी तो आप अपने साथ रखोगी ना। अब लोगों तक पुष्पा के परिवार का काला चिट्ठा पहुंचाना है, उस दिलीप पटेल का भयानक क्रिमिनल बैकग्राउंड, उस पुष्पा को कुर्सी से उतारने के लिए काफी है। मेरी कुर्सी हड़पने चली थी, अब तो पति की करनी और पुष्पा की भरनी। पता लगाना पड़ेगा कि वो डेट चेंज का मैसेज किसने भेजा है। मुझे किसी पे शक है। मुझे भी। रुक्मणी। वो बापुद्रा सोच रहा है कि एक बिजनेस शुरू करूं, दोनों बच्चे मिलके बिजनेस को अच्छी तरह संभाले, क्या बोलती है? बोलना क्या है, ये तो बहुत ही अच्छा आइडिया है। नेकी और पूछ। मैं तो खुद प्रार्थना से कहती रहती हूँ कि अपनी औरत रसोई में बर्बाद ना करे। चिराग से बात की? नहीं, बस अभी करनी। अरे कर ले, वो मान जाएगा। हाँ, और क्या? बस। एक बात बोलूं? बहुत अच्छा लगता है ऐसे सभ्यता से आपस में बात करना, वरना हमारे बीच में कितनी किचकिच होती रहती थी ना। अभी एक साइड में तो अच्छा लगता है, एक साइड में भी और एक पार्टी में भी। देख बस सब अच्छे से सेटल हो जाए। नहीं नहीं, हो जाएगा, हो जाएगा। क्या हुआ, और कुछ भी कहना है? नहीं बस बोल दिया ना, चल चलता हूँ। कहाँ चलता है रे, गर्म गर्म भजिया बनाएंगे, लेके जा सुशीला को, मजा आ जाएगा। अरे वाह, और तुझे भी। लेके पक्का तुझे कुछ और नहीं कहना है? नहीं बस हो गई बात, ये लीजिए। अरे वाह वाह वाह, गर्मा गर्म भजिया, बहुत बढ़िया, चल चलता हूँ। पापा। अरे वाह, अच्छा हुआ तू इधर ही मिल गया। अभी पुष्पा से तेरे बारे में बात कर रहा था बापुद्रा। मेरे बारे में? हाँ, वो कुछ प्लान चल रहा है बापुद्रा के दिमाग में बिजनेस के बारे में। तो देख बेटा, अभी इन दिनों दो ही बिजनेस फुल टू चलते हैं, एक तो खाने का और दूसरा वजन उतारने का। फिटनेस का जमाना है ना, तो बापुद्रा सोच रहा था कि किसी प्रीमियम जगह पे, अच्छे लोकेशन पे एक बढ़िया जिम खोला जाए। मूड़ी तो है ही बापुद्रा के पास, और लाइसेंस और परमिशन वगैरह बापुद्रा लेके आएगा। तू प्रार्थना और बापुद्रा मिलके उसको चलाएंगे, क्या बोलता है? कम इन्वेस्टमेंट में ज्यादा प्रॉफिट है। बापुद्रा इतना प्यार से मेरे बेटे के साथ क्या बात कर रहा है? अचानक मेरे साथ बिजनेस करना क्यों चाह रहा है? एक ओर पापा की ऑफर है और दूसरी ओर इनकी, धर्म संकट है ये तो। अरे ये क्या है काको? तेल है, तेल। आज पांव जरा दर्द कर रहा है इसलिए थोड़ा मालिश करूंगी। लाइए मुझे दीजिए। नहीं 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 जुगल, मुझे संकोच होता है बेटा, प्लीज। नहीं काकू, एक और आप मुझे अपना बेटा कहती हो और बेटे का फर्ज भी नहीं निभाने देती हो, और वैसे भी मुझे अभी नींद नहीं आ रही है। लाइए। नहीं नहीं, आइक आइक माला काकू, लाइए। देख लो पुष्पा, ये तेरा खोटा सिक्का। क्या हुआ क्या? अरे देख ना, इनके पैरों में दर्द है और मुझे मालिश भी नहीं करने दे रही है। अरे क्यों काकू, मालिश नहीं करने दे रही हो? मालिश मुल्कच करा काकू, आपको पता है ना बड़े पुण्यशाली होते हैं वो लोग जिन्हें ऐसा मौका मिलता है। क्यों रोकती हो उसे पुण्य करने से? चुप कर बाबा, तुम ही लोग कर। और एक्सक्यूज मी, ढंग से करना, ढंग से, खबरदार लगी तो। थैंक यू, आई गो, अच्छा लग रहा है। जुगल तुझे मालूम है
मुझ में और तुझ में एक बात कॉमन है। वो क्या काकू? तू गुजराती गाने गाता है और मैं मराठी। तो फिर तो आज महफिल जमनी चाहिए काकू। क्या बोलती बंदरिया? नेकी और पूछ पूछ। काकू हो जाओ शुरू। सुंदर से बोला। कमाल क्या गाता है तू। थैंक यू काकू। मन खुश हो गया मेरा। सुखी रहा बाबा, सुखी रहा तुम लोग, सुखी रहा। दो साल में 50 कैप का टारगेट रखते हैं, फिर 50 से 500, स्काई इज द लिमिट। हम तो पैसे कमाएंगे, साथ में औरों को भी एम्प्लॉयमेंट देंगे। बापोदरा सोच रहा था कि किसी प्रीमियम जगह पे, अच्छे लोकेशन पे एक बढ़िया जिम खोला जाए। लाइसेंस और परमिशन वगैरह बापोदरा लेके आएगा, तू प्रार्थना और बापोदरा मिलके उसको चलाएं। चिराग, आई एम सो 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 हैप्पी। पता है पापा आए थे और वो चाहते हैं कि हम तीनों, एज इन तू मैं और वो, साथ में बिजनेस स्टार्ट करें और हैंडल भी। क्या हुआ? जब ऊपर वाला देता है तो छप्पर फाड़ के देता है। ये बात मुझे आज देखने को मिली। वहां पापा ने भी मुझे बिजनेस प्रपोजल दिया है, पार्टनरशिप का। मुझे भी दिया था पर मैंने साफ मना कर दिया। बापुद्रा काका और पापा दोनों के ऑफर्स है तुम्हारे पास, उलझन है ना? हाँ भाभी, दोनों पापा मुझे बिजनेस में इन्वॉल्व करना चाहते हैं। अब उनमें आपस में नहीं बनती, वो बात अलग है ना। कैसे समझाऊंगा पन्नू के पापा को? मैंने उनको हाँ कर दिया है। For more updates, subscribe to our channel. Click the show links and enjoy watching the videos.